12,000 डॉलर, इसमें 1 लाख नॉर्मल एंड 12% 12,000 जीएसटी, दोनों मिला के ही रहता, सेपरेटली नहीं था टेंडरिंग में, डिफेंस प्रोक्योरमेंट पोर्टल में सेपरेट कॉलम नहीं रहता। जो अपना सीए अमाउंट है ना, सीए अमाउंट इंक्लूड्स जीएसटी आल्सो, सीए अमाउंट इंक्लूड्स जीएसटी आल्सो, सो 1,12,000 डॉलर, इट इंक्लूड्स 12% जीएसटी। अभी देखो ये हुआ 17/7/22 में बिड एंडिंग डेट हो गया, इसमें ये डाल दिया, उसमें 12% ही है, उसके बाद 18 से क्या हुआ 18% हो गया, तो उसको गवर्नमेंट को 18% देना पड़ता है, गवर्नमेंट को 18% देना पड़ता है, मगर वो डाला 12% है, 6% उसको घाटा है ना। वो डाला 12% का, मीन्स वो 18 में नहीं डाल सकता, उस टाइम वो 12 ही है, वो 12 ही है, 12 ही डालते, वो बिडिंग में 12 ही लेता है, सब 12 ही लेता है, हाँ 12 ही लेता है, तो वो चीज चेंज करनी चाहिए ना। हाँ बिडिंग का प्रोसेस प्रोसेस नहीं चेंज किया, वो वैसे ही देखो, उसके उससे पहले का देखो, इससे बिडिंग का पहले का टेंडर्स पूरा है, उसमें 12 ही है, कॉन्ट्रैक्टर को बाद में उसका डेट, ये डेट के बाद 18% गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, तो उसको 6% घाटा है ना, वो बाद में रिफंड अपन दे, दैट इज जीएसटी रिफंड। अपन जो रिकवरी करते ना ओनली 2% करते, बाकी का 16% ही विल पे, दिस इज जीएसटी टीडीएस, जीएसटी ऑन टीडीएस एक क्लॉज रहेगा। डीपीएम में पैरा 3 ऑफ आरएफपी में रहता, टैक्सेस बढ़े तो हम देंगे, टैक्सेस कम हुए तो आप देना पड़ेगा, एट द सेम टाइम ये भी रहेगा, अभी 18% है भाई, बाद में 12% हो गया, वो टाइम में अपन छीन लेंगे, अपन रिकवर करेंगे, रिकवर करना ही है, क्योंकि उस टाइम पुराना एक ऑर्डर है, मैं इसका किस्सा बाद में बोलता हूँ, पहले 18% था, बाद में 12 हो गया, अभी 12 से 18 हो गया, सो बैलेंस 6% अपन देना है ना, वो उसमें 12 ही है, 6% आप बिल दे रहे, इसमें देखने का अपन को बिल आने के बाद देखने का क्या है, ये बिड सबमिशन एंड डेट कब हुआ, उससे पहले है क्या वो? एंड डेट कौन सी डेट से पहले? 18 से उससे पहले, हाँ बिड सबमिशन, अभी एक ऑर्डर इधर मिलेगा, उसमें जीएसटी रिफंड नहीं होगा, मिलेगा नहीं उसे, 18/7 है तो भी 18/7 से 18% है, 18/7 से 18% है, सो अपन आने के बाद तुरंत ये नहीं देखना है, अपन सीए देखना है, सीए में क्या होता है बोले तो टेंडर होता है भाई, सपोज 18/7 में अपना कर 17/7 है कट ऑफ डेट, टेंडर डालता है 1/7/22 रहता है, पहला वाला में 1/7/22 जो भी बिड सबमिशन एंड डेट नजदीक है बोले तो अलर्ट रहना बिल, बिकॉज क्या होता है ना, व्हेन मोर 7 बिट से कम आए तो बिड ऑटोमेटिक 1 वीक पोस्ट पर एक्सटेंड होता है, बिडिंग देखो ये डेट है बिडिंग का, अगर ये डेट नहीं समझ लो 12 ही समझ लो, 12 की शुरू होता है 12/7, अपना टेंडर डॉक्यूमेंट में क्या दिखता है जो वो ये लोग देते ना, उसमें आरएफपी में टीई में यही दिखता है, अगर सपोज टेंडरिंग होने का टाइम में
सेवन बिट्स नहीं आए, सात सात लोग नहीं डाले, नहीं डाले तो वो सेवन डेज ऑटोमेटिकली प्रोक्योरमेंट पोर्टल ही एक्सटेंड करेगा, पोस्टपोन करेगा। सात दिन बोले तो 9/7 को आएगा। 18% मीन्स इसको नहीं आएगा। सो जो बिड का डेट नजदीक है उसमें अलर्ट रहना है, उसका पूरा राइटिंग में भी पूछेंगे। बिकॉज जो एक्सटेंड किया अपन को डॉक्यूमेंट पूरा नहीं देता है चाहिए के साथ, एक्सटेंड हुआ नहीं पता चले। इसलिए जो नजदीक है ना उसको क्यों बोलते, वो ऑटोमेटिक एक्सटेंड होता है, पोर्टल इटसेल्फ विल एक्सटेंड पोस्टपोन। एक बार पोस्टपोन करेगा और एक बार पोस्टपोन, सेवन बिट से अगर कम रहती है, सात से कम आए तो दो बार ही पोस्टपोन करेगा, उसके बाद नहीं करेगा, वो डिसीजन जी को छोड़ेगा। अच्छा, वो एक्सेप्टिंग ऑफिसर करना है, रिटर्न करना है, पहला बार तो जब कंपलसरी ऑटोमेटिक वो खुद पोस्टपोन करेगा, मतलब ही नहीं ना सर। में नहीं जी, नहीं एमएस का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का नहीं सर, वो तो डिसीजन गवर्नमेंट का रहता है ना 18% का। ये तो अपना अपना 12% के टाइम पे ही भर देते हैं ना, फिर उसको एक्सटेंड क्यों करने आगे? देखो भाई आगे क्यों बोले तो, क्योंकि वो रूल तो वो डिसीजन तो गवर्नमेंट कभी भी ले सकता है। नहीं देखो, वो गवर्नमेंट दिया इससे पहले टेंडर हुआ, टेंडर हुआ अपन आ रहे अभी भी चल रहा है टेंडर, उसके बाद अगस्त 22 में फर्स्ट आ रहा है, 10 लाख दिया अपन, 2% करेंगे, 10 लाख बोलते तो 2% बोलते 20,000। ये गवर्नमेंट को रिटर्न सबमिट करना पड़ता है 18% का, अपन 2% की है, बाकी 16% वो करना पड़ता है, मगर उसको टेंडर में डाला ओनली 12% ही है। इसलिए अपन 6% ये जीएसटी का रिफंड का। अच्छा, वो समझ में नहीं आ रही थी ये चीज़, अब समझ में आई है? नहीं आया क्या? नहीं, पहले समझ में नहीं आ रही थी, जो वो अपने हिसाब से लगा रहे, दिमाग लगा रहे थे अपने हिसाब पहले, ये लग रहा अब, लेकिन अब सही आएगी। 2% जो अपन रिफंड करते हैं वो क्यों करते हैं? नहीं रिफंड नहीं, अपन रिकव, हाँ टीडीएस कट रहा है वैसे, ये टीडीएस अंडर जीएसटी एक नहीं भाई, इसका 100 पेजेस है। इसके लिए वो दिखाएगा इसके साथ, 18% का इंश्योरेंस दिखाएगा, और एक ये देना है नोट, नोटरी का बना के देना है 100 रुपीज स्टैम्प पेपर का ऊपर, अपने को देता है कि वो कब लास्ट में क्लेम करता है, क्लेम करने का, बाकी का बाद में उसमें बोलता है आई हियर बाय सर्टिफाइड। अभी तो यहाँ तो देते नहीं है ना, आई हैव पेड, देखो पढ़ोगे अपने को अभी तो देते नहीं है ना, क्यों नहीं देते? अभी आ रहे हैं ना बिल साल सर, गवर्नमेंट के खाते में टोटल 12% जाएगा, अपन को क्यों नहीं देगा? गवर्नमेंट पे करता है ना बाकी बैलेंस, गवर्नमेंट पे कर, जीएसटी रिटर्न पे कर, हाँ जीएसटी डिपार्टमेंट पे करेगा उसको ये, हाँ अभी इनकम टैक्स है भाई, रिकवरी करते ये जो अपन ने टीडीएस काटा इसके भी जो है जीएसटी डिपार्टमेंट ही उसको पे करेगा, अपन तो जीएसटी को भेज देंगे, जीएसटी उसको भेज देगा फिर, ये भेजेगा नहीं, वो वाच करेगा इसका आया नहीं आया, क्लेम किया नहीं, क्लेम बोले तो क्या है रिटर्न फाइल किया नहीं किया, देखता जीएसटी डिपार्टमेंट देखेगा किस बंद, नहीं तो उसको तो हर महीने करना पड़ता है ना, नहीं क्लेम रिटर्न क्लेम फाइल नहीं किया तो उसको पकड़ेगा, क्लेम फाइल नहीं किया तो। जीएसटी का मतलब क्या है भाई, ये 2% क्यों रखा है बोले ना, अपन सिक्योरिटी का उसका सिर दे रहे, ये क्या बाल दे रहे गवर्नमेंट को, जिसका जिसका 2% उसका क्लेम क्या है बोलते हैं रिटर्न फाइल किया नहीं किया देखता है, उसके लिए क्यों क्लू दे रहे हैं एक तरीके से जीएसटी डिपार्टमेंट को, किस बंदों पर नजर रखना जरूरी है, इन पर नजर रखना जरूरी है ना, उन पर नजर रखने के लिए, हाँ ये सही है, 2% दे रहे बोले तो 2% मेरा काटे भाई उनके पास। देखो अपन जीएसटी पे करते ना, जो रिकवरी करते हैं अपन, वी आर पेइंग, बिल पास कर रहे ना, वो पूरा रिकवरी करने के बाद पूरा जितना हुआ बिल पे, उसमें अपन क्या देखते हैं,
ये देता है, कैशियर देता है, एटलीस्ट देता है, वो अपना काम नहीं है, फिर भी अपन देखते हैं। क्यों बोलते, 2 लाख रिकवर हुआ भाई, आपका 10 हजार, आपका 20 हजार, आपका 30 हजार, मेरा 40 हजार, ऐसा हुआ। आपका मेरे को आपको किए तो गया, मेरा 40 हजार मैं पे किया है, 2% रिकवरी है, वो 40 हजार आपको दिए तो आप पे करने का कम होता है, मैं जहाँ मेरा ज्यादा होता है। अगेंस्ट जीएसटी नंबर, अगेंस्ट सीएवी नंबर भी रहता है उसमें, जो डाटा देता है वो रिकंसिल हम मई आने के बाद तो कर रहे हैं, उससे पहले वो रिकंसिल नहीं होता था, ओनली अमाउंट ही रिकंसिल होता था। वो क्यों रिकंसिल करना है बोले तो, मैं अभी बोला ना, आपका मेरा उसका पैसा होता है, होटल अमाउंट टैली होता है, मगर हाँ वो एक दूसरे को चला जाता है। उसमें क्या है, देखो मैं 2%, मैं देखो भाई 10 लाख है, 10 लाख में मैं 2%, 20 हजार, 18% वो तो कितना होता है, 1,80,000 ना। मेरा 20 हजार एक्चुअली हुआ, मेरा आप 50 हजार एक बिल में काटे, आपका मेरे दिया समझ लो, मैं कितना पे करना पड़ता है, 1.3 करना पड़ता है, मेरा आपको दिया समझ लो, आपको 30,000 ज्यादा करना पड़ता है, इसलिए रिकंसिल करना। इसमें क्या है, ये डेट नजदीक रहे तो देखना है, बॉन्ड दिया ने 100 रुपए स्टैम्प पेपर दिया ने देखना है, और जीएसटी जितना कट किया है उसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है वो ने। ये अरे अरे अमाउंट है, सब फॉर्मूला दे सकते, अरे अरे अमाउंट 100 रुपीज है, इसका डिवाइडेड बाय 1.12 करना है, मीन 1.12 क्यों करना है, 12% ही था, उससे क्या होता है, बेसिक अमाउंट एक्चुअल अमाउंट विदाउट जीएसटी आता है, विदाउट जीएसटी अमाउंट आएगा। अभी इसका ऊपर 6% देते, 6% ऑफ बैलेंस देते, अपन 6% ऑफ 89 रुपीज, इसके ऊपर जो अपन रिफंड करते हैं आरआर का 1.2, आरआर 5 लाख है, 6% कट देना, 5 लाख डिवाइडेड बाय 1.12 किए तो जो बेसिक अमाउंट विदाउट जीएसटी आएगा, उसके बाद अपन जितना ये एक्स समझ लो, इसका ऊपर 6% ऑफ एक्स अपन रिफंड करना है, 5 लाख सपोज अपन रजिस्टर में एंट्री नहीं की है, समझ इसका व्हाट विल हैपन, उसको पता चले तो क्या होता है, हम जाने के बाद नेक्स्ट 3 महीने का क्लेम करेगा वो, इसका क्लेम करेगा। हाँ, वो डबल क्लेम। सो एंट्री इन द रजिस्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये नहीं है तो मैं आई थिंक सबको मैं एक बार बोला है, 5/13 में काम हो ये है ना, ये एक बार मेरे साथ हुआ है, एमएससीपी एरियर्स आया, निर्मला देवी यूडीसी ईएमए रिकॉर्ड्स, ये नाम भी याद है मेरे, निर्मला देवी यूडीसी रिकॉर्ड, ये क्या हुआ, फिर एरियस आया, कब आया, अक्टूबर में आया, अक्टूबर 2012 में,
ये पे फिक्सेशन हुआ फरवरी और मार्च में, पे फिक्सेशन हुआ। पे फिक्सेशन होने के बाद अपन क्या करते, एरियस बिल आया, अपन वर्क विल डू, एरियस पे करते, पे करके क्या करते, एरियस पे करने के बाद अपन एक्चुअली इधर मैं लिख रहा हूँ, एरियस पे करने के बाद पुराना बिल में अभी साइदेश को निर्मला देवी को पे किया, उसका नाम रहता ना लास्ट चार्ज का, उसका नाम था नीचे एरियस ऑफ पे, एम्बेसी पी एरियस फ्रॉम सो एंड सो डेट टू सो एंड सो डेट हैज बीन पेड वाइड डार्क आईडी नंबर, लिख के न्यू बेसिक लिखते, क्यों बोलते वो फिर देखने का जरूरत नहीं है। अभी ये हुआ, ये मार्च में पास हुआ समझ लो, वो इमिडिएटली मार्च एंडिंग में आएगा बिल, नहीं तो अप्रैल में आएगा, अप्रैल में आया, अप्रैल में आने के बाद अपन किस में लिखते, लाख चार्ज में लिखते, मार्च का पे बिल में और लिखते, लिखने के बाद वो क्या कर किया बोले तो नया बेसिक पे आया ना, नया बेसिक पे नहीं डाला, उसको एरियस आया 19/2008 से, वो नया बेसिक पे नहीं डाला, इसे ही अक्टूबर तक लेके गया, अक्टूबर 2012 तक वैसे ही पुराना बेसिक पे ही लेके गया। अक्टूबर में क्या किया, फिर और एक एरियस बिल भेजा, आप क्या करोगे सितंबर का बिल देखोगे, सितंबर का पे फिक्सेशन का पहले का रहता, बिना नया बेसिक नहीं डाला हो, क्या समझते एरियस नहीं हुआ, नहीं हुआ बिल्कुल, वही गलत है। अभी अप्रैल में पास किए है, मार्च में हुआ ना, अगर अप्रैल का पे बिल में ये नहीं क्लेम किए तो एरियस नॉट क्लेम्ड, पेड क्लेम नहीं किए तो क्लेम वो लिखना है, वो क्या हुआ, मैं मेरे पास आया, मेरे पास आने के बाद मेरे गैप था निर्मला देवी का रजिस्टर एंट्री, इसके साथ रजिस्टर भी एंट्री करना है, रजिस्टर एंट्री कर कर दी है क्या बोल के पूछा एडिटर को, वो साथ एंट्री किया बोला, और मेरे सामने करके लेके आया, मैं बोला भाई व्हाई वी हैव टू एंटर इन द रजिस्टर, सब रूल है, रूल क्यों है, रूल वही द रूल इज देयर, बिकॉज वो अपन मार्च में पास किए, मार्च तक देखना है, पीछे जाओ मिलेगा अगर पास किए तो, पीछे था मींस मैं क्या बोलता हूँ, अपना पल्स एग्जीक्यूटिव को कॉन्ट्रैक्टर को कभी हाउ वी वर्क नहीं शेयर नहीं करना है, कितना अच्छा दे रहे, बिकॉज अपना लूप होल्स पकड़ के अपन को मारते, बिकॉज सब वो लोग अपन से ज्यादा जानते। अभी आर ए आर, नेक्स्ट आर ए आर का भाई, आर ए आर आने के बाद क्या कर रहे, फर्स्ट क्या कर रहे बोले मंदर, आर ए आर आने के बाद पहले हम उसका बे चेक, सी एस ए सब चेक कर लेते हैं पहले, क्या चेक करते, टेक्निकल सैंक्शन वगैरह जो अमाउंट फाइनल हो गई उसकी, वो अमाउंट लास्ट पेज में आते हैं ना, इसमें क्या होता है ना, पहला आर ए आर आने के बाद फर्स्ट क्या देखना है बोले तो सी एस टी देखना है। मैं हूँ भाई, मैं एस बी तुलसानी हूँ, मेरे को तीन फॉर्म्स है, एस बी तुलसानी, तुलसानी एसोसिएट्स और एक कौन सा है मेरा, तीन है उसको, तीन है, एक
किधर याद रहता, सब मेरा ही है भाई, वो सोचता है मेरा ही है, मगर वैसा नहीं है। टेक्निकली लीगली थ्री फॉर्म्स आर डिफरेंट, थ्री फॉर्म्स आर डिफरेंट। फर्स्ट आने के बाद, आर ए आर आने के बाद सीए नंबर रहेगा, सीए नंबर, सीए निकालना है, सीएसटी देखना है, पहले सीएसटी देखना है, और अंदर फॉर्म का वो बीओक्यू रहता ना, बीओक्यू अभी देखो, इसमें L1 सीमा, अंदर बिल ऑफ क्वांटिटीज अपन फाइनल बिल का टाइम में चेक करते हैं, ये सीमा का है और किसी का है, दे सीमा, सीम अमाउंट है क्या इधर का, इधर वो देखना है। फर्स्ट फॉर्म इज इम्पोर्टेंट, कितना इम्पोर्टेंट बोले तो अनइमेजिनेबल, सिर जाने वाला बात है। अभी दो आए अंदर, मैं पकड़ के रखा हूं पूरा, सीएसटी L1 ये पहले देखना है, उसके बाद ही काम शुरू, उसके बाद जो टीएस है कोई एडमिन अप्रूवल है, वैल्यू ऑफ रिटर्न है ना, कितना क्रॉस हुआ, 10% ऑफ वैल्यू ऑफ सीए अमाउंट से ज्यादा नहीं होना है, 10% ऑफ एडमिन अप्रूवल, उससे ज्यादा हुए तो लेस देन मोर देन, मोर देन नहीं, दोनों रहता ना, लेस देन फिर मोर देन, नहीं नहीं लेस देन में नहीं आता, अभी नहीं आता, पूछा तो जा सकता है ना, अपनी तरफ से पूछ सकते हैं, अभी नहीं, वो वर्क कंप्लीशन है, वो तो बाद में, 10% अभी 10 लाख का है, वैल्यू ऑफ वर्क डन 14 लाख डी का है तो एक बार रिटर्न, रिवाइजर 10% से ज्यादा हुए तो रिवाइज एडमिन अप्रूवल चाहिए, मींस रिवाइज एडमिन अप्रूवल क्यों चाहिए, ये लोग का एस्टिमेशन ही गलत है। सिविल वर्क में क्या आता है, पत्थर रहता, सीमेंट रहता, एस्टिमेशन 100% नहीं रहता, उसके लिए कुशन है ओनली 10% मार्जिन रखा है, ये भी है ना अप टू, वो लेस भी कर सकता है, सीए में एक क्लास रहेगा वो देखना है। इधर यह है 10% सीए में ना, ये अगर इसमें 5% लिखा समझ लो गलती से, 5% because this is a legal document, rule is different, CA is different, galti se zyada likhe to this hai, ha zyada likhe to pakad le, wo again usko bhi pakadte, zyada nahi likhna hai, up to 10% maximum, 5% to sir wo to fir wo up to bola hai isliye kam bhi kar sakta hai, ऑडिट पॉइंट हुआ ना फिर वो तो 5% अगर उन्होंने लिखा है इसमें तो नहीं, जैसे अप टू 5% उन्होंने लिख दिया इसमें, अगर इसमें आपका केस में एक में शेड्यूल ऑफ क्रेडिट में गलती हो गया, रिवाइज शेड्यूल ऑफ क्रेडिट बोल के दिया, अच्छा रिवाइज दिया गया, वो भी वो गलती से सीए में, सीए में डाला है गलती से डाला बोल के, मैं वो बोल रहा भाई, सीए कब आएगा, टीई में जो आए वही सीए में आता है, सीए होने के बाद हाउ यू कैन अमेंड आफ्टर टेंडर, टेंडर के बाद में उसको चेंज नहीं कर सकते ना एसओसी को, वो फिर सेकंड टाइम भी रिटर्न गया ना, इसके बाद तुलसानी का ऐसा है, तुलसानी का एसडी का, हां तुलसानी का, और टाग है एडमिन अप्रूवल्स कोड है, इधर कितना है ना, नियरली 60-70% केसेस में, पुराना केसेस में सब गलत है, कोडेड मिस्टेक है सब में, कोडेड में बहुत गलत है, 60-70% केसेस में
बहुत गलत है। अभी ये लोग क्या कर रहे हैं बोले तो एडमिन अप्रूवल नहीं देख रहे, ये केसेस अभी रिसेंट क्या आपका ही देखो कोई सबन उधर कोडेड करना दिखा था टीएस है या मेंटेनेंस का आता है कैंटीन वाले फोन के टाइम में। हां क्या अच्छा फोन चाहिए ना। हां फोन करो कैंटीन वाले गए थे शायद नहीं मंगाना हाँ अभी तो।